चंदा केसी सुनने वाले सभी प्रेमी श्रोताओं को राम राम। चंदा केसिड में सुनो, आज गुलशन और गुलबहार, गुलशन और गुलबहार का भाई पछला कोई संस्कार। कोई संस्कार बतावे को सिंदर ऋषिपाल और हंसराज का हारमोनियम पे होता सदा कमाल। प्रेमी बंधुओं की सेवा में प्रस्तुत है चंदा किसी के माध्यम से किस्सा गुलशन और गुलबहार। जी हां सजनों, किस्से का नाम है गुलशन और गुलबहार। आइए किस्से की शुरुआत कर रहे हैं। मणिपुर शहर के अंदर राजा यज्ञ का राज था, जिनके दो पुत्र बड़े का नाम यशमाल और छोटे का नाम अमरकेतु। प्रेमी सजनों को बताया जाता है यशमाल सिंह शादीशुदा थे और अमरकेतु की शादी नहीं हो पाई थी। इतना ही नहीं, अमरकेतु जो छोटे थे बचपन में ही साधु हो गए। यशमाल सिंह की रानी का नाम विजयी था और रानी विजयी के कोई संतान नहीं हुई। दोस्तों, महल में अंधेरा छान लगा, उदासी ही उदासी दिखाई देने लगी। राजा यशमाल ने सोचा कि पुत्रेष्ठ यज्ञ कराना चाहिए जिससे राजमहल में रोशन हो, औलाद हो। फिर क्या था प्रेमी सजनों, अमरकेतु के पास गए जो छोटा भाई था, साधु था, और किस तरह से दोनों की बातें होने लगी। अमरकेतु ने यशमाल सिंह को आदर सत्कार से बैठाया और कारण बुझा तो किस तरह से यशमाल सिंह कहने लगे, महाराज यशमाल सिंह कहिए, आज इस मेरी कुटी पर तुम्हारा कैसे आना हुआ, क्या कारण है? मैं आपको सारा हाल बताऊंगा, आप मेरी बात सुन लीजिए। कहिए। हाँ अमर के तू भाई चाहूं, ये चाहते हो पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाना। लेकिन मेरी भी सुनना। कहिए। हो जागा पुत्रेष्ट यज्ञ में रीबी शरत निभाना, अमर के तू भाई चाहूं पुत्रेष्ट यज्ञ करवाना। हो जागा पुत्रेष्ट यज्ञ में रीबी शरत निभाना। सारी बातें बताऊंगा यशमाल सिंह। अच्छा, अगर मेरी बात मानोगे, मेरी शर्त निभाओगे तो औलाद का मुंह देख पाओगे, वरना नहीं। शर्त कौन सी से थारी,
की हो भाई निभाऊं। पहली जो संतान हो थारे साधु उसे बनाऊं। पूरा फर्ज चुकाऊंगा मैं, पूरा फर्ज चुकाऊंगा जो हो जा पूरी चाहना। सोच समझ लो खूब भाई, कदी मारने लगो पसाना। अम्र के तू भाई चाहूं तो त्रेष्ट यज्ञ करवाना। हो कर देंगे पुत्रेष्ट यज्ञ में रीबी शर्त निभाना। राजा यशमान सिंह, कहिए महाराज। मैं याद दिलाता हूं, कभी राजा शिवी के छह ब्या पैदा हुई थी, जिसे मदनावत और तारा भी कहते हैं, जो हरिश्चंद्र के घर में ब्याही थी। मधुदैत को वो इसी तरह से बचनों में बंद करके राजा शिवी ने दे दिया था। आज मुझे वो बात याद रही है। अच्छा, क्या तुम्हें भी वो बात याद है? मुझे भी याद है। बचन में भाई यज्ञ करावन ते पहले ही पक्का कर लो मन में। संस्कार कोई मेटे ना रे, संस्कार कोई मेटे ना जा, जिसका अंजल दाना। सांच को आज नहीं आनी भा रासे साधु शर्त निभाना। कदी महाराज इंद्र के दरवाजे पे यशमान सिंह ऐसा होया था। अच्छा, हाँ, इंद्र ने घर आए लोगों की इज्जत नहीं की थी, आदर नहीं किया था। लेकिन महाराज मेरे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, इसलिए उसका आज भी अपमान होता है। याद रखना, अम्र के तू भाई मैं थारा, अम्र के तू भाई मैं थारा, करूं अम्र का चाहा। बचन नाट गया रही इंदर कौन सा फर्ज निभाया। मोह माया का त्याग करूं ना, मोह माया का त्याग करूं, तम मत मन में घबराना। जो पहली औलाद उसे तम समझो पुत्र बिराना। यशमान सिंह, कहिए महाराज। तुम्हें बचनों में बाध्य होना पड़ेगा, बधना पड़ेगा। हाँ करिए ना। मुझे हर बात मंजूर है महाराज। बिल्कुल ठीक ही है। और कहिए क्या कहना है। महाराजा यशमाल सिंह का, महाराजा यशमाल सिंह का बचन न जागा खाली। एक रोज यशमाल सिंह तेरे घर में मने दिवाली। ताली थारे हाथ में बाबा, ताली थारे हाथ में।
पाल का यूपी में हो गया मशहूर खदाना। अमर के तू भाई चाहूं मैं, अमर के तू भाई चाहूं, उत्कृष्ट याद करवाना। कर देंगे उत्कृष्ट यज्ञ में भी शर्त निभा। तिथि और तारीख देखकर के ज्योतिष के आंकड़े के आधार पर, हिंदू रस्म रिवाज के आधार पर शुभ घड़ी में उत्कृष्ट यज्ञ की शुरुआत हो गई। प्रेमी सज्जनों, बाबा के आशीर्वाद से, परम पिता परमात्मा की दया दृष्टि से, यशमाल सिंह की महारानी के गर्भ से दो राजकुमारों का जन्म हुआ। पहले का नाम दोस्तों गुलबहार और छोटे का नाम गुलाब सिंह। लेकिन महाराज को तो बात याद थी, अमर केतु साधु यशमाल सिंह के राजमहल में आ गए और कहने लगे, क्या तुम्हें वो बात याद नहीं? राजा ने अपनी रजाबंदी से गुलबहार को सौंप दिया, साधु जी के हाथ में सुत सौंप दिया खुद अपना। देता हूं आशीर्वाद, जय राखे भगवान तेरी, सिबी हरिश्चंदानी सी, दान भी रह शान तेरी, राम श्याम जैसी जग में कामयाब संतान तेरी। अब तो बच्चा करीब 9 वर्ष का हो गया, स्कूल में पढ़ने के लिए जान लगा, तरह तरह की बातें सीखने लगा, यम नियम तप प्रेमी सजनों काम प्राणायाम योग क्रिया समाधि से भ्रकुटियों में सांसों के चढ़ाने का काम, तरह तरह की बातें संत संगत में सीख ली। जब करीब 15 वर्ष का हो गया गुलबहार, महाराज होनहार की बात समय ने पलटा खाया कि स्वर्ग से धार गए। प्रेमी सजनों, समाधि तैयार की और किस तरह से आज मोह आ रहा है गुलबहार को सुनेंगे।
फगुआ वाणी में बालक गुलबहार अपने गुरु के लिए रो रहे हैं। उजड़ जाता है चमन गुलजार माली के बिना, फिर नहीं सकते पशु जंगल में पाली के बिना, अन्न दे सकती नहीं कभी धरती हाली के बिना, बंद ताला रहता है छोटी सी ताली के बिना, बह नहीं सकता बरस कर नीर नाली के बिना, बिना गुरु के दास है जैसे पात डाली के बिना। इतने ही में रामेश्वर पंडित जी आ जाते हैं बालक का रोना सुनकर के और कहने लगे, भरा संसार संशय से दुखों में जी फैता है, कभी मेघों में पानी है कभी नदियों में बहता है, आना है वो जाना भी है, सब संसार कहता है जन्म लेकर के मरना है, सदा यहाँ कौन रहता है। लेकिन क्या सोच रहे हैं गुलबहार सुनिए, बाबा जी परलोक पहुंचता जी कुटी का बसा चले गए, लावारिस बालक को जग में छोड़न रासा चले गए। बाबा जी परलोक पहुंचता जी कुटी का बसा चले गए, भृगु हुशार हुए, अत्रि मुनि सनक नंदन सनकादि संत कुमार हुए, आदित्य अंगीरा जल अग्नि वेदों के ज्ञाता चार हुए, चले गए लावारिस बालक ने जग में छोड़ निराशा चले गए, बाबा जी पर लोक पहुंच तज कुटी का बासा चले गए। सेवक बन तू रटता राम रहा करता, जस विश्वामित्र के ढूंढने पे दशरथ का राम रहा करता, नंद वीर के द्वारे पे जैसे घनश्याम रहा करता, साधु जी के ढूंढने पे तू भी मन थाम रहा करता, चले गए
साठ ने भी जुए में भरवा दे से बासा चले गए ना वारिस बालक ने जग में छोड़ निराशा चले गए बाबा जी पर लोक पहुंच तज कुटी का बासा चले गए हर गज कंगाल नहीं रहना बेईमाने ते धन जोड़िया माला माल नहीं रहना बालक जवान वृद्ध मानस का एक सा ख्याल नहीं रहना यत दुनिया आनी जानी से सदा चंद्र लाल नहीं रहना बासा चले गए लावारिस बालक ने जग में छोड़ निराशा चले गए बाबा जी पर लोग पहुंच तज कुटी का बासा चले गए बालक गुलबहार के आंखों से आंसू बह रहे हैं। इतने ही में पंडित रामेश्वर जी आ गए, जो उसके रोने की आवाज को रह रह कर सुन रहे हैं और एकदम बालक को समझाने लगे। त्याग योग में शोक को भजो हरि का नाम, गुरु वस्त्र जल प्रवाह के लिए जाओ गंगा धाम। लेकिन बेटे याद रखना, मैं भी भगवान का भक्त हूं। गंगा के किनारे एक रूप नगर बसा हुआ है और रूप नगर के राजा महिपाल की कन्या है जिसका नाम गुलशन है, बहुत खूबसूरत है। बेटे शादी के योग उसकी उम्र है, उसका गंगा के किनारे तपो भवन बना हुआ है और तपस्या में लीन है। उसकी प्रतिज्ञा है कि जो मेरी आंखों के सामने आंख खुलते ही आ जाएगा उसे मैं अपना पति बन लूंगी। बेटे उसे बचना है, ध्यान रखना जरा, वरना तेरे गुरु के नाम पर थप्पा लग जाएगा और भक्ति का नाम नष्ट हो जाएगा। नगर जाते हो साधु भाई सब खाते हैं आटे का, बच के रहिए संत कदे हो तेरी जान ने खाटे का। रूप नगर जाते हो साधु सब खाते हैं आटे का, बच के रहिए संत कदे ओ तेरी जान ने खाटे का।
राजा का गठबंधन से मई बाल राजा की बेटी तपस्विनी गुलशान से वर मांगन में उस क्वारी का जनता जैसा मान से गंगा जी पे उस कन्या का न्यारा तप भवान से गंगा जी पे उस कन्या का न्यारा तप भवान से मीरा जैसे मन में भजे है गिरधर नागर नाटी का बचके रहिए संत कदे वो तेरी जान ने खाटे का बंधुओं को बताया जाता है कि
पंडित रामेश्वर जी ने जो बातें कही गुलबहार को, गुलबहार के दिलो दिमाग में बात अमन हो जाती है और याना बालक गुलबहार अपने गुरुजी के वस्त्र लेकर के गंगा जी के किनारे तो पहुंच गया, लेकिन सजनों गुरुजी का जो वियोग था, गुरुजी के देहांत का जो दुख था, जो कष्ट था, आज गुलबहार के लिए आशय नहीं हो रहा था। सब कुछ दुनिया की बातें भूल गया, अपने आप ही तो भूल गया। रामेश्वर पंडित जी ने यह भी बताया था कि बेटे दक्षिणी दशा में मत जाना, दक्षिणी दशा में सिंहल के जाना, लेकिन तुझे उत्तरी दशा में बिल्कुल नहीं जाना है। प्रेमी सजनों, आज शोक से व्याकुल गुलबहार दक्षिणी दशा को छोड़ करके उत्तरी दशा में पहुंच गया, जहां राजा महिपाल की राजकुमारी गुलशन तपोभन में वर की तलाश कर रही थी, तपस्या कर रही है। प्रेमी सजनों, गुलबहार ने रोते रोते अपने गुरुजी के वस्त्र गंगा में बहा दिए, लेकिन गुरुजी के अल्फी रह गई। अल्फी को बहाना चाहता है कि दिल में मोह आ गया और गंगा की धार में बेहोश खड़े खड़े दोस्तों दिल का दौरा पड़ गया, बहता बहता चल दिया। और जब उसे होश आया तो सोच रहा है, परमात्मा दीनानाथ दया के सागर, क्या मेरी जिंदगी में यही सब कुछ लिखा था? क्या सोच रहा है? दीनानाथ मेरे दिल पे पहले ही चोट गहरी थी, डूब के मारना था किस्मत में, आहे कसर रह मारना था किस
बारी के दाहिने पांव में राज रेख का चिन्ह था गुलशन राज कुमारी था। ओ, 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 ओ गंगा के किनारे पवित्र का संकट में फेरी थी डूब के मरना था किस्मत में यह कसर रहरी भगत के कुंडे नीचे हाँ गंगा जी बहरी थी डूब के मरना था किस्मत में यह कसर रहरी चंदर गोलशन करे है तपस्या मीरा की तरी यायड़ी के बाबा जी ने। गुलबहार भगवान से प्रार्थना करता करता फिर अचेत हो गया। बहते बहते गुलबहार जल में प्रवाह हो रहे हैं। ओणहार की बात राजा महिपाल की राजकुमारी गुलशन जो जल के किनारे थी भगवान आंखों से देखा कि कोई मानसमती बहके आ रहे। खूबसूरत था गुलबहार। दोस्तों जल में बढ़ के गुलबहार को बाहर निकालना चाह रही है और उसे अपने तपो भवन तक ले आई। जब गुलबहार को होश आया तो उसने देखा ये साधु कौन है, क्योंकि भगवा माने में थी। प्रेमी सजनों बताया गुलशन ने, मैं राजा महिपाल की राजकुमारी गुलशन हूँ। वर की तलाश में जब कर रही थी और आज सौभाग्य से भगवान ने मुझे मेरा प्राणनाथ भेज दिया। बहुत कहा मैं एक साधु और तुम एक राजकुमारी, ऐसा नहीं हो सकता। बताया
शंकर ने पार्वती को ब्याहा था। राम के साथ ऐसा ही हुआ। कितने ही उदाहरण दिए, सत्यवान को सावित्री ऐसे ही मिली थी, इसमें कौन सी बात है। प्रेमी सज्जनों, इस सारे हाल का पता राजा महिपाल जो गुलशन के पिता होते हैं, पता चल गया और किस तरह से अपने बेटी से कह रहे हैं। बेटी गुलशन, कहिए पिताजी। ये तुमने क्या किया? क्या बात है पिताजी? बेटी राजघराने पर बट्टा ला दिया। ऐसी तो कोई बात नहीं है पिताजी। बेटी हंसराज जैसे राजदरबारी के सोचेंगे, गढ़हारे में चर्चा होगी। मैं आपकी हर बात का जवाब दूंगी पिताजी। क्या मैंने भिकमंगा बिहाने के लिए कह दिया था बेटी, किसी राजकुमार को देखती? लेकिन पिताजी, पार्वती ने भी तो शिव जी भिकमंगा है कि वो ब्याहा था। पिताजी पिताजी मत करो, खामोश रहो, मेरी बात सुनो। कहिए। गुलशन भूल गई होके बचपन में मने सिखाया, पिता याद है मेरे आपने मन नारी धर्म सिखाया। गुलशन भूल गई होके बचपन में मने सिखाया, नारी धर्म। बेटी धोरे महात्मा कश्यप बिना बोले।
करके दुख ठाया। माता पिता राजघराने के कोतवाल को ऑर्डर देते हैं कि जाकर के गुलबहार को कारागार में बंद कर डालो। कैसे दरोगा के और गुलबहार के जवाब सवाल शुरू हो गए। तेरा दोष नहीं, नहीं। अरे तू साधु होके बने सुवादु, अच्छा तेरा विचार नहीं। तेरा साधु करा इरादा तमने राज कमारी बहने का। समझा करा सती न काम उल्हाने का। ए सती न जान बचाने का अग्नि में करा इंतजार नहीं। अरे 160 बार ले गुलशन तेरी सती के साथ अवतार नहीं। एका के कंठ नहीं ताके। शिक्षा के लिए पास कोई, शिक्षा के लिए पास कोई, ये योग का ग्रंथ नहीं ताके। श्री विष्णु लक्ष्मी का पति रे, मेहनतों का मेहनत नहीं ताके। कादी संत कुमार नहीं। कही आ गए खुद कसी से मरना घना जुलम, आन परा कुछ जुलम नहीं। हेरा भिख मंगे को के है भाई, हेरा राज कुमारी जुरम नहीं। है चारी करना जुरम सुना है, शादी करना जुर्म नहीं। के कीरी को पहाड़ हिमालय, हेरा सर पे
धरना जुर्म नहीं, दुख तेरा जुर्म नहीं, अरे जुल्मी का कोई यार नहीं, बिना जोड़ के ब्याह करने का रख के तेरे सर पे भार नहीं। प्रेमी सजनों, चंदा केसर के माध्यम से ये फुलबहार गुलशन का पहला भाग सुन रहे हैं श्रोताओं, इंतजार करिए अपने टेप रिकॉर्डों में दूसरा भाग गुलशन गुलबहार का, लगाइए मजा आएगा, कहानी का अंत बहुत अच्छा होगा।